दोस्तों, आज के समय में गोरा रंग पाना सभी चाहते हैं। हम अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आता है तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। आई एम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की सभी के चेहरे को गोरा बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप चमकदार और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस नुस्खे में दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक खाली बाउल की। इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो दोस्तों मैदा। आपको यहाँ पर इसमें 1 चम्मच मैदा का ऐड करना है। दोस्तों, अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैदा हमारे चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करती है, साथ ही हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाती है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको यहाँ पर इतनी सी मात्रा में इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सिर्फ इतनी सी मात्रा में इसमें हल्दी पाउडर आपको लेना है। आपको बता दें कि हल्दी कई तरह से त्वचा की देखभाल के लिए फायदेमंद होती है। ये पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारती है। हल्दी मुहासे के दाग धब्बों को दूर करती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर करने में सहायता करती है। ज्यादातर घरों में घरेलू नुस्खों के रूप में त्वचा पर निखार लाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब अगली चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों आधा कटा हुआ टमाटर। आपको एक आधा कटा हुआ टमाटर लेना है और इस टमाटर का पूरा रस आपको इस तरीके से इसमें ले लेना है। दोस्तों, टमाटर में प्राकृतिक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो एक्ने को कम करने में सहायक होते हैं। टमाटर में नेचुरल एसिड होता है जो कि एक्ने और एक्ने स्टार को एस्टियन बनकर साफ करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे त्वचा से पिंपल्स, दाग धब्बे और काले निशानों को दूर करके त्वचा को एकदम चमकदार और सॉफ्ट बनाता है। तो आपको तीनों चीजें लेने के बाद में दोस्तों आखिरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों गुलाब जल। आपको इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करना है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें गुलाब जल ऐड करें। आपको एक साथ इसमें ज़्यादा गुलाब जल नहीं मिलाना है जिससे कि आपका पेस्ट पतला हो जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्वचा के लिए क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बेहद ही जरूरी होती है। जवान व खूबसूरत दिखने के लिए समय समय पर इन्हें करते रहना चाहिए और इन सब में तो टोनिंग बेहद ही जरूरी होती है। इसके बावजूद हम टोनिंग को अनदेखा कर देते हैं जबकि टोनिंग की मदद से स्किन से गंदगी व अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। इस मामले में गुलाब जल को सबसे बेहतरीन टोनर माना जाता है। गुलाब जल में एंटीएन नामक गुणकारी तत्व पाया जाता है जो स्किन को निखारने का काम करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप इस तरीके से उंगलियों से पेस्ट को लें और अपने पूरे चेहरे के ऊपर आपको इस तरीके से इसे लगाना दोस्तों, अपने पूरे चेहरे के ऊपर आपको इस तरीके से इसकी एक परत लगा लेनी है। फिर आपको इसे 20 मिनट के लिए चेहरे पर ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके चेहरे में काफ़ी अच्छा निखार आएगा। आपका चेहरा पहले से काफ़ी गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।